तू चला, तू चलाएगी, मैं नहीं चलाऊंगी, तू ही चलाएगी। अच्छा मैं क्यों चलाऊंगी, तुझे ही बाहर जाना था ना, तू ही चला। भाई ठंड हो रही है, मुझसे नहीं चलाई जाएगी। हाँ तो मेरे से भी नहीं चलाई जाएगी, तू ही चलाएगी। देख तू बड़ी है ना, तो तू ही चलाएगी। हाँ तो तू भी तो छोटी है ना, बड़ी बहन से चलवाएगी क्या, चला जल्दी। देख मुझे ना पूरा यकीन है, तूने 5 लिए पहनी कपड़े, तू ही चलाएगी। अच्छा और तूने कितनी पहनी है? 2 पहनी है। 2? 2? झूठी, दिखाइयो। 2? 7 लेयर, झूठी, तूने 7 लेयर पहनी हुई है, चल अब तू ही। मैं नहीं चलाऊंगी, एक काम करते हैं स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। हाँ वो कर लेते हैं, चल। स्टोन पेपर हार गई तू, चला। मैं नहीं चला रही, चला जल्दी, चला रही हूँ, चला चलाना, क्या कर रही है बहन? ये तो चल ही नहीं, लगता है ठंड की वजह से ये भी जाम हो गया है। इसको भी ठंड लगती है क्या? असल में तेरे बस की नहीं है, तू इधर आ। अरे बहन मेरे को हाथ ही जाम हो गए। अरे स्कूटी गिराएगी क्या? यार ये तो नहीं चल रही, अब क्या करें? एक काम करते हैं, पैदल ही निकलते हैं। नहीं यार इतनी ठंड में पैदल कौन जाएगा इतनी दूर तक? एक काम करते हैं, ज्यादा कैंसिल मारते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। ये बड़ी आइडिया है, कंबल में बैठेंगे आराम से, चल। बहुत ठंड हो रही है, अब स्वेटर पहनेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। ये भगवान कितनी ठंड बढ़ गई है। अबे ओ कामचोर, 3 घंटे हो गए तुझे यहाँ कंबल में पड़े हुए, कुछ काम नहीं करवाना? हट, इतनी ठंड में कौन काम करते है? मैं नहीं कर रही। अच्छा मम्मी भी घर पे नहीं है, मैं करूँ सारा काम? तू ही कर ले सारा काम, मेरे बस की नहीं है। मैं तो आराम से कंबल में बैठ के टीवी देखूंगी और सोऊंगी। चल ठीक है बर्तन धो ले। बर्तन? ना 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 ना, बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं, ठंडा ठंडा पानी होता है यार, मेरी उंगलियां पहले सूजी हुई है, देख कितनी सूज रखी है। ठीक है मैं धो लूंगी, तू पोछा लगा दे, चल उठ जल्दी। पोछा? फाइनली पोछा। ठंडा पानी। अरे उसमें भी तो पानी में हाथ डालना होता है, मैं नहीं कर रही काम, सारी पानी वाली बोल रही है। तो फिर झाड़ू लगा ले। झाड़ू? यार झाड़ू के लिए तो कंबल से निकलना पड़ेगा, ठंडे ठंडे फर्श पे पैर रखने पड़ेंगे। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है, और वैसे भी मेरे सर में बहुत तेज ना दर्द हो रहा है, और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। तो एक काम कर, तू ही कर ले सारे काम, मैं तो सो रही हूं। नौटंकी कहीं आने दे मम्मी को, बताती हूँ मैं तेरे को। भाड़ में जा, तू जा भाड़ में। बेकार बॉयफ्रेंड पटा लिया ये मैंने, छोटा सा हाइट का, हाइट भी नहीं मैच करती यार इसकी, तो मैं तो इसके पैसों पे मर गई थी, अब क्या करूं, पटा लिया तो बुक तो अनरोमांटिक इंसान। अरे ये मेरी बहन क्या कर रही है यहाँ पे? अरे किसके साथ आई हुई है? तू तो मम्मी को बता दे घर जा। पर नहीं यार मैं भी तो इसके साथ आई हुई हूँ, मेरी भी कुटाई होगी साथ साथ, क्या करूं? एक काम करती हूँ, मुझे पा लेती हूँ। ओह शिट।
यहाँ क्या कर रही है? चलो अगर इसने मुझे देख लिया ना तो मम्मी को बता देगी। पर एक मिनट, मैं डर क्यों रही हूँ? ये भी तो किसी के साथ आई है, मैं बताऊंगी मम्मी को। तो नहीं यार, पर अगर इसने मेरे को देख लिया होगा तो दोनों फंस जाएंगे। एक काम करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, देखूंगी नहीं। अरे बेबी क्या हुआ, सर्दी लग रही है? अरे नहीं नहीं बेबी, ठीक हूँ मैं। नहीं बेबी, आपको सर्दी लग रही है और मेरे होते हुए आपको सर्दी नहीं लग सकती। मेरे होते हुए तुम्हें सर्दी लग ही नहीं सकती बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारा केयर टेकर। अरे नहीं बेबी, आप पहनो ना अपनी जैकेट। अरे नहीं नहीं बेबी, आप पहनो। बेबी मैं ना च्यवनप्राश खाता हूँ, मुझे सर्दी नहीं लग सकती। जैकेट दे रहे, मैं भी ट्राई करती हूँ। हे क्या हुआ तेरे को? बेबी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो जैसे उधर ले क्या? क्या तेरे अंदर शर्म वरम नाम की चीज नहीं है क्या? घसे कम्बल लेकर आना चाहिए, घसे चादर लेकर आनी चाहिए थी ना। खुद दे रहे जैकेट, देख दुनिया के बॉयफ्रेंड कैसे उनको जैकेट उड़ाते हैं, और तू निकम्मा। मैं उनके जैसा थोड़ी ना हूँ, मैं तो रिच क्लास हूँ, रिच क्लास। और चादर लेके आएगा अपनी घर से, ठंड लगती है तो हमेशा आ जाएगी मांगने के लिए। तू बस ना रिच रिच है, क्लास नाम की तेरे में कोई चीज नहीं है। क्लास वो होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखे, जैकेट भी नहीं दे सकता गरीब कहीं का। ए, इस जैकेट से मजाक नहीं, जा मेरे पर्स में से 100 रुपए मार ले और उससे चादर खरीद ले जा। मरती हूँ क्या मैं तेरे 100 रुपए में? ऐसी जैकेट ना मैं 1000 खरीद लूँ। आया बड़ा, हाँ तो जाना जा 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 खरीद ले जा जा। देखा मैंने कहा था ना ठंड लग जाएगी, ये लो तुम पहन लो अपनी जैकेट। चलो चलो बेबी घर चलते हैं, बहुत ठंड हो रही है। हाँ हाँ चलो। तू ना बाहर में जा। मतलब ही छोड़ मुझे क्या, पापा ने तो सरकारी नौकरी दिला रखी है, ऐश करेंगे मौज करेंगे, और इसकी जैसी छत्तीस आएगी। वैसे भी मेकअप बहुत ज्यादा लगाती थी, दूसरी पटाऊंगा नेचुरल ब्यूटी वाली, नेचुरल। छोड़ा चलो दूसरी पे लाइन मारने चलते हैं। कितनी ठंड हो रही है। ओ बेटे की, सारे के सारे मनाली गए हुए इतनी बर्फ में, मैं तो बस की भी नहीं है कि मैं कंबल से बाहर निकल जाऊं। अबे ओए भंगन, जाके नहा लेना, 20 दिन हो गए तुझे बिना नहाए। नहीं नहाऊंगी तो नहीं नहाऊंगी। अरे पागल, ठंड में 20 दिन क्या, 30 दिन भी बिना नहाए के माफ होते हैं। अगर तू एक दिन और नहीं नहाई ना तो पूरा घर सट जाएगा तेरी बदबू से। सब आ जाएगा, पर मेरी बस की नहीं है इतनी ठंड में नहाना। खड़ी हो जल्दी, उठ और नहा के आओ। मैं नहीं नहाऊंगी। उठ, नहीं नहाऊंगी। उठ, मैं नहीं नहाऊंगी तो नहीं नहाऊंगी। तू नहाएगी, खड़ी हो। नहीं नहाए। उठ जल्दी। नहीं नहाऊंगी तो नहीं नहाऊंगी। अच्छा मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं नहाएगी आज तू, रुक। चल नहा जल्दी, मैं यहीं खड़ी हूँ। नहा जल्दी, एक्टिंग मत कर। इम्पोर्टेंट पानी है। ठंडा पानी? इतना उबलता हो, गर्म पानी, तू जल्दी नहा ले। नहीं नहीं मैं आराम से नहाऊंगी, ये मेरा स्टाइल है। ऐसे कौन नहाता है, नहा रही है नहीं तो जल्दी। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं दिखाती हूँ तेरे को स्टाइल। नहा जल्दी ना। नहा आप जल्दी खुद। मैं नहीं नहाऊंगी, हो गया आज का काम मेरा। अच्छा अरे बुढ़िया हो तो क्या हुआ, ठंड नहीं लगती क्या? तो तेरे को तो उनसे भी ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा ये सब छोड़, तूने मेरी टोपी देखी क्या? टोपी देखी क्या मेरी? टोपी देखी? पागल लड़की, टोपी छोड़, ये देख मेरी फ्रेंड ने पार्टी में इनवाइट किया, वो भी मस्त वाले क्लब में। चलेगी पार्टी में? अभी इतनी ठंड में पार्टी में कौन जाता है पागल औरत। अबे यार तू इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की है और फिर भी ठंड की चिंता कर रही है, चल ना यार। अरे हॉट एंड सेक्सी तो क्या हुआ, ठंड नहीं लगती क्या मुझे? बकवास करिए ये।
अभी तू पागल है क्या? इतनी मस्त पार्टी को रिजेक्ट कर रही है, देख ले पछताएगी तू। तेरे को जाना है, तू जा, मैं नहीं चल रही। अबे यार चल ना, देख वहाँ पे डांस होगा, म्यूजिक होगा, दारू होगी, मजा आ जाएगा। दारू, दारू ही तो चाहिए होती है ठंड में। चल जल्दी रेडी होके आते हैं। हो गई रेडी? हैं? इन कपड़ों में जाएगी तू पार्टी में? अरे पागल, तुझे नहीं पता क्या, ये कपड़े मम्मी लेकर आई थी, वो भी मनाली से। ये बिल्कुल गर्म है और ठंड प्रूफ है। ये पहन के जाएगी तू पार्टी में? तो तू पागल है कि बाहर देख कितनी ठंड हो रही है, तू ऐसे कपड़े पहन के जाएगी इतने छोटे? ना बाबा ना, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो यही पहन के जाऊंगी, ये वैसे भी ना पार्टी वियर है। तो तेरे को लगता है मैं तुझे इन कपड़ों में पार्टी में लेके जाऊंगी? हाँ तो तेरे को नहीं जाना तो मत जाना पार्टी में, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा तो तेरे को किसने इनवाइट किया ये बताइए जरा। मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है और मैं तेरे को लेके जा रही थी अपने साथ में, और इन कपड़ों में तो मैं तेरे को कभी नहीं लेके जाने वाली हूँ, तो तू बैठ जाके अपने कमरे में, बाय। अरे बहन ले जाना, क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो पार्टी वियर ही है। इन कपड़ों में तेरे को एंट्री भी नहीं मिलेगी, गार्ड भी भगा देगा तेरे को। गार्ड क्या, सब तेरी बहन को देखेंगे, तेरी बहन को। चल बैठ अब जाके कमरे में। ए बहन प्लीज ले जाना। अबे पागल हो गई क्या तू, छोड़ मुझे। प्लीज बहन ले जाना, तू मेरी बहन नहीं, प्लीज ले जा। अरे छोड़, मेरी प्यारी बहन नहीं है, प्लीज ले जा। भंगन अकेला छोड़ गई, पार्टी में मजे कर रही होगी, गंदी इंसान, ऐसे थोड़ी ना कहते अपनी बहन के साथ। यार बाहर कितनी ठंड थी, मैं कैसे छोटे कपड़े पहन लेती। छोड़ो कोई नहीं, मैं ताक सीखूंगी। अरे बहन मर गई, जम गई ठंडी, बचाओ। तू कैसे आ गई यहाँ पे, अरे कैसी रही पार्टी? मस्त है एकदम, मजा आ गया मुझे तो बिल्कुल। सच बता? हाँ हाँ, डांस करा मैंने बहुत ज्यादा, मजा आ गया बिल्कुल मुझे। सच बता, सच बता। अरे हाँ सच्ची तो बता रही हूँ, बहुत मजा आया। ठीक। अरे यार क्या खास मजा आया, आधे रास्ते से वापस आ गई, इतनी ठंड हो रही है बाहर, मेरे पैर देख, हाथ देख, सब कुछ जाम हो गया। बहन मैं क्या करूं? मैंने तो देखो पहले ही बोला था कि बाहर बहुत ठंड है, वही थोड़ी ना मैंने ऐसे कपड़े पहने थे, कुछ सोच समझ के पहने होंगे ना। आई बड़ी मेरी फ्रेंड की पार्टी, उन्हें इनवाइट करा है तो मैं जाऊंगी, मैं टेक लेके नहीं जाऊंगी, बाय। जा ना आई बड़ी। अब और क्या करूं, तेरे साथ यहाँ बैठ के आगे सेकनी पड़ेगी। पागल, ये पार्टी करने से ज्यादा अच्छा है, देख कितनी गर्मी मिल रही है। यार कितनी ठंड हो रही है ना। तू बिल्कुल सही कह रही है यार, इसके पास तो हम है पर और भी डॉग हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। हाँ यार, ना जाने कितने जानवर बाहर ठंड में मर जाते हैं, इनका कोई ख्याल रखने के लिए भी नहीं होता है। क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें? कैसे? आज मैं बताती हूँ। देख वो रहे, चले कुत्ते तो हमसे डर रहे हैं। एक काम करते हैं ना, इनको यहीं बिछा देते हैं, वो लोग जब रात को आएंगे तो फिर ओढ़ लेंगे। हाँ यही करते हैं।
यहाँ पर आराम से सो जाएंगे, ठंड भी नहीं लगेगी उन्हें। चल सर्दी आपको ही नहीं इन लोगों को भी लगती है, तो इस सर्दी थोड़ी सी हिम्मत करके अपने घरों के बाहर निकलें और इन बेजुबानों की मदद करें। तकलीफ इन्हें भी होती है, बस ये बोल नहीं पाते, तो तकलीफ नहीं इन्हें प्यार दो और इन बेजुबानों की जान बचाओ।